बहुत दूर जो है पेट्रोल डीजल के लिए जाना पड़ता था, अब गांव के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद इधर भी तीन चार पेट्रोल सरपंच और कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ओम जी कह रहे हैं कि पूर्व सरपंच, लेकिन आका जगह साथ में जितना भी लोग बागी ये बता रहे हैं कि पूर्व क्यों बोल रहे हो। तो किसान फोक्स चैनल राजेश भाई के साथ आज आप पूछा हाँ कारी प्लाटा में जो तहसील नोलगढ़ का माइन पड़ा है तो बैठे यो पेट्रोल पंप खुलियो है एक अनुश्री का नाम हो सलाहकार ही राजकुमार जी बांका आने की बात थी, लेकिन बठे बकुन पूछ पाया बांका भाई पूछा ही और काफ़ी जो गणमान्य लोग हिब्बा आए हैं बांका माई ने पोषण अमित जी सर जी भी पूछा ही तो करा बाम बात। हाँ अमित जी बताओ। नमस्कार सारा चैनल देख बड़ा सारा लोगन, मेरा नाम राम और पूरे जो प्रोग्राम है उतार जी और बाकी जो सब सदस्य हैं बाकी जो साथी हैं जो पंप को उद्घाटन करे बाकी मैं बहुत अच्छा चल रहा है, अगले बार शुभकामना देना चाहूँगा बाकी उज्ज्वल भविष्य कामना करना चाहूँगा और बहुत सारे लोग आए हैं वीवाईपी लोग हैं बालोटिया जी जिला परिषद सदस्य दो बात बाकी पूरे तारचंद जी हमारे मित्र हैं पंप लगा रहे हमारे मित्र हैं और लंबा दौरा ले लंबा दौरा जी हैं सारे मित्र हैं और बुलावे बड़े जानो चाहिए। तो जो विकास नाथ जी महाराज जी बाकी गाड़ी का माइन पर जो तेल का लगे है और एक सागर योग जो उद्घाटन कर दिया ये उरे का जो पंप का नज़दीक का लोग बागी आईडाइड दिनेश सुंडा नाम है छोटा सा कार्यकर्ता है नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र का जनता के हित में सारे दिन काम करना मारो नहीं नहीं तो क्या है कि लोग बागान जोड़ने की बात हो। हाँ। लेकिन मैं पूछ रही हूँ बात बताओ तो फिर से स्पष्ट पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। राजकुमार जी की बात सुन राजकुमार जी का स्वास्थ्य सही नहीं है क्योंकि वो बाहर गए हुए थे इस वजह से उनको डॉक्टरों ने सलाह दी हुई है कि क्वारंटाइन रहना है तो अपने क्षेत्र की जनता के हित में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए जो डॉक्टरी सलाह है उस आधार पे वो कार्यक्रम में नहीं पधारे लेकिन राजपाल जी बीच में पहुंचे हैं हम पहुंचे हैं तो सारे के सारे लोग ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ ये सब राजकुमार जी सारा का सारा राजकुमार। हाँ सबसे पहले तो ढेर सारी बहुत बहुत बधाई ताराचंद जी दूध साहब को पूरे ग्राम पंचायत कार्य को सबको और बहुत अच्छी सुविधा ग्रामीण एरिया में मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि पहले बहुत दूर जो है पेट्रोल डीजल के लिए जाना पड़ता था अब गाँव के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद इधर भी तीन चार पेट्रोल पंप हो गए तीन हो गए तो ग्रामीण परिवेश में किसानों को इतनी बड़ी सुविधा नज़दीक में होना क्योंकि एक तो डीजल लेने के लिए बाहर जाए दूर जाए पेट्रोल लेने के लिए बाहर जाए दूर जाए एक नज़दीक होने से वहाँ को पेट्रोल भी बचेगा डीजल भी बचेगा समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा सारी चीज़ को बहुत बढ़िया जो है मतलब तैयार करना चाहो क्यों एक सकारात्मक कदम है वो तो बहुत बढ़िया सकारात्मक है इससे बढ़िया सकारात्मक कदम होना ही कौन सो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये रोड जो है अभी बहुत अच्छी रोड बन रही है लगभग 35 करोड़ रुपये तो पास हो चुके हैं और ज़्यादा संभावना चल रही है मंत्री जी लगे हुए हैं कि और जो है पैसे बढ़ के आएँ तो इसको और ज़्यादा अच्छी बनाएं रोड चौड़ी भी होगी अच्छी भी बनेगी सुविधाएं सबको मिलेंगी सुविधाएं मिलेंगी तो ये पेट्रोल पंप की सुविधा हो गई यहाँ पर तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा जो है सबको ओम प्रकाश कैरू और पूर्व सरपंच और वर्तमान मेरे सरपंच और कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ओम जी कह रहे हैं कि पूर्व सरपंच, लेकिन आका जगह साथ में जितना भी लोग बागी ये बता रहे हैं कि पूर्व क्यों बोल रहे हो। तो पूछा इसलिए आई बोलनी पड़ेगी सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं सही बोलूँ मेरी जगह और तीसरी बार है और पहले 5 साल कोऑपरेटिव बैंक सर और प्लाट स्टैंड कारी विकास नाथ जी महाराज के हाथों से
राजपाल जी और ये अमीश जी सरपंच साहब आए हुए हैं सिंह है। आज हम अनुश्री इंडियन ऑयल के फर्म बनाइए, अनुश्री हमारे जो शास्त्र विधान के अनुसार हमने ये नाम रखा है। अनुश्री एक लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है, तो हमने कुछ ज्ञानी लोगों से, कुछ ब्राह्मण, कुछ जो शास्त्र को जानते हैं उन लोगों से पूछताछ करके और हमने जो नाम रखा है अनुश्री, इस नाम पे हमने फर्म बना के आज ये नया कारोबार जो पेट्रोल पंप का ये चालू किया है। इसमें आज हम उद्घाटन के लिए श्री विकास नाथ जी महाराज, डॉक्टर राजपाल जी शर्मा प्रधान, हमारे दिनेश जी सुंडा, सब लोगों के सानिध्य में उनके हाथों द्वारा हमने ये जो आज उद्घाटन करवाया है। हम मानते हैं कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, हम लोगों के साथ बिल्कुल खड़े उतरेंगे उनके विश्वास पर, और हम चाहते हैं कि भाई हमसे सब लोग जुड़ें और हम उनको जो भी सुविधा हो हम बेहतर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।